नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। जम्मू सेक्टर की सकरगढ़ सीमा पर 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के दौरान एक ऐसी घटना हुई जो बहादुरी को स्वीकार करने की मिसाल बन गई। ये मिसाल दोनों देशों के सैनिक मुख्यालयों में आज भी दी जाती है। 1971 में 15 से 17 दिसंबर के दौरान सकरगढ़ सीमा पर भारत पाकिस्तान सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। भारत की तरफ से इस युद्ध की अगुवाई 3 ग्रेनेडियर बटालियन के लेफ्टिनेंट कर्नल वीपी एरी कर रहे थे। युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने सकरगढ़ सीमा से सटे एक गांव जरपाल पर कब्जा कर लिया था। दिसंबर को पाकिस्तान फ्रंटियर पोस्ट की 35वीं बटालियन के कमांडर कर्नल मोहम्मद अकरम रजा की अगुवाई में पाकिस्तान सेना ने जरपाल पर दोबारा कब्जा करने के लिए गांव को तीन तरफ से घेर कर भारतीय सेना पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी कर्नल मोहम्मद अकरम रजा इस युद्ध में सबसे आगे होकर लड़ रहे थे। भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के 250 से अधिक सैनिक मार गिराए। जो बचे वो भाग खड़े हुए। भागते हुए पाकिस्तानी सेना भारी मात्रा में गोला बारूद और एक जीप छोड़ गए। 17 दिसंबर की रात युद्ध खत्म हुआ। 18 की सुबह भारतीय सेना ने पूरे इलाके की तलाशी लेना शुरू किया। इस दौरान भारतीय सैनिकों को कर्नल रजा का गोलियों से छलनी शरीर मिला। उन्होंने हाथ में हथियार पकड़े हुए थे। कर्नल एरी उस जगह पहुंचे और रजा को सैल्यूट किया। रजा का शव पाकिस्तान को वापस करने के साथ कर्नल एरी ने एक पत्र भी सौंपा। इस पत्र में कर्नल रजा द्वारा युद्ध के दौरान दिखाई गई वीरता का बखान था। ये पत्र पढ़कर पाकिस्तान सरकार ने कर्नल रजा को मरणोपरांत निशाने हैदर के सम्मान से नवाजा था। कर्नल एरी द्वारा लिखा पत्र आज भी पाकिस्तान की इस बटालियन के मुख्यालय में रखा है। 3 ग्रेनेडियर बटालियन में मेजर पद पर सेवाएं निभा चुके मेजर आरएस गिल ने बताया कि जिस जीप को पाकिस्तानी सेना छोड़ गई थी वो जीप आज भी इस बटालियन के पास एक धरोहर के रूप में है। इस जीप को जरपाल क्वीन कहा जाता है। युद्ध को बीते 48 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की ये जीप आज भी पेट्रोलिंग के काम आती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर।